आपके एक बड़ी अपडेट भी करेंगे। सीमा हैदर से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ गई है। सीमा के साथ सचिन की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सचिन मीणा की भी तबीयत सीमा हैदर के साथ साथ खराब हुई है और दोनों का ही घर पर ही इलाज किया जा रहा है। सीमा के वकील भी घर पर सीमा हैदर और सचिन मीणा से मिलने पहुंचे हैं। जानेंगे तबीयत कैसी है और सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ी है इस वक्त, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और तस्वीर देखिए किस तरीके से घर पर ही ग्रेटर नोएडा जो उनका घर है रघुपुरा गांव में, वहां पर ही इलाज किया जा रहा है सीमा हैदर और साथ साथ सचिन मीणा का भी। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी आनंद तिवारी भी अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या बता रहे हैं, क्या हुआ है सीमा को और सचिन को? देखिए अंकिता, जिस तरह से लगातार मीडिया इंटरव्यू सीमा दे रही है और उसी को लेकर डॉक्टरों ने कहा है कि उनकी तबीयत खराब हुई है और कल से ही वो दोनों थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। उसके बाद आज ग्लूकोज चढ़ाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सीमा हैदर अपने घर में है और उन्हें ग्लूकोज की बॉटल चढ़ रही है। अभी डॉक्टरों ने कुछ दिनों उन्हें आराम करने की सलाह दी है और उनके वकील भी आज पहुंचे थे, कुछ कानूनी बातचीत उनसे करना था। चूंकि सीमा हैदर को जो जमानत मिली है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि सीमा हैदर अगर कहीं भी मूवमेंट करेंगी तो उन्हें कोर्ट को अवगत कराना होगा और जो लोकल थाना है वहां पर उन्हें उसकी जानकारी देनी होगी। तो वकील कानूनी सलाह मशवरा के लिए आज पहुंचे हुए थे और अभी वो वहां से निकल गए हैं। अभी सीमा हैदर कितने दिनों तक घर में रहेंगी और इलाज कब तक चलेगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी, लेकिन अभी डॉक्टर ने निर्भर करेगा आनंद कि उनकी तबीयत कब ठीक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। से बेलग्रद और कुर्क समेत कई दूसरे शहरों की सुरक्षा बढ़ाने में जुटा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में इन शहरों में कई बार ड्रोन से हमला किया गया। इस दौरान न सिर्फ रूसी सेना के कैंपों बल्कि कुछ तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया। रूस के बेलग्रद और कुर्क समेत कुछ दूसरे शहर यूक्रेन की सीमा के नजदीक बसे हैं और रूस ने इन हमलों के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि इन शहरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुतिन अपनी सेना में बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भर्ती करेंगे। खबर है कि रूस ने बेलग्रद में पहले से ही कई ऐसे कैंप तैयार कर लिए हैं जहां सिर्फ महिला सैनिक तैनात हैं। उनकी ट्रेनिंग से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें रूसी सैनिक जंग लड़ने की तैयारी करती नजर आई। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन की परमाणु धमकियों का जवाब देते हुए उल्टा उन्हें ही अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। दक्षिण कोरिया ने साफ कर दिया कि अगर किम जोंग उन ने गलती से भी परमाणु मिसाइल दागी तो इसकी कीमत पूरे उत्तर कोरिया को चुकानी होगी, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उसे नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने किम जोंग उन को यह चेतावनी दी कि उन्हें अमेरिकी पनडुब्बी पर हमले का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए, वरना उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। और वो कीमत ये भी हो सकती है कि पूरे उत्तर कोरिया का सफाया हो जाए, क्योंकि दक्षिण कोरिया का मानना है कि अगर किम जोंग उन ने अमेरिका से टकराने की कोशिश की तो अमेरिका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा।